नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का 8th चैप्टर, और जिसका टाइटल है मिसबिल द वोटर, जिसको गैविन मैक्सवेल के द्वारा लिखा गया है। और इसका पार्ट 1 और 2 जो है वो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम उसका पार्ट 3 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे थर्ड पार्ट को। द डेज पास्ड पीसफुली एट बसरा, कि बसरा के अंदर जो है वो लेखक के दिन शांति से गुजर गए। बट आई ड्रीडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिज टू इंग्लैंड एंड टू कैमेस फेरेना। यहाँ पे टी की जगह एफ है। तो लेखक बता रहे हैं कि उनको इस बात की भविष्य में कुछ गलत होने की आशंकाएं थी। ड्रेडेड प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है भविष्य में कुछ गलत होने की आशंकाएं। और वो क्या था कि जब वो मिजबिल को जो है वो इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट करेंगे, और इंग्लैंड में भी कैमेस फोरना जब लेकर के जाएंगे, तो उस समय होने वाली कुछ समस्याओं के बारे में लेखक चिंतित था। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, जो ब्रिटिश एयरलाइन जो थी, जो लंदन के लिए उड़ान भरती थी, उसमें जानवरों की उड़ान जो है वो अलाउड नहीं थी। सो आई बुक्ड ए फ्लाइट टू पेरिस, और इसलिए लेखक जो है उन्होंने एक फ़्लाइट जो है वो पेरिस की फ़्लाइट को बुक किया ऑन अनोदर एयरलाइंस, दूसरे एयरलाइंस की, एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और वहाँ से जो है उन्होंने लंदन की टिकट जो है वो बुक करवाई। द एयरलाइंस इंसिस्टेड दैट मिज शुड बी पैक्ड इनटू ए बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर। और एयरलाइन जो था उन्होंने इंसिस्ट किया कि जो मिजबिल, जिसके अंदर, जिस डब्बे के अंदर पैक किया जाएगा, वो डब्बा जो है वो 18 इंच से ज़्यादा जो है स्क्वायर यानी वर्गाकार होना चाहिए। 18 इंच से बड़ा डब्बा जो है वो नहीं होना चाहिए। टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर, और उसको जो है फ्लोर के ऊपर रख कर के जो है वो कैरी करना है। एट माई फीट, मेरे पैरों के नज़दीक जो है उसको फ़र्श के ऊपर ही उस डब्बे को रखना होगा। आई हैड ए बॉक्स मैड, कि मैंने एक डब्बा जो है वो बनवाया। एंड एन आर बिफोर वी स्टार्टेड, और 1 घंटे पहले हमने जो है वो प्रक्रियाएं शुरू की। पुट मिज इन टू द बॉक्स, मिजबिल जो था उसको उस डब्बे के अंदर रखा गया। सो दैट, ताकि ही वुड बिकम अकस्टमेड टू इट, ताकि वो अकस्टमेड का मतलब आदि हो जाए, अभ्यस्त हो जाए, ताकि वो इस डब्बे का अभ्यस्त हो जाए, रहने का आदि हो जाए। एंड लेफ्ट फॉर ए हरिड मील, और उसके बाद में यानी मिजबिल को डब्बे के अंदर रखा, और उसके बाद में लेखक जो है वो हरिड मील यानी तेज़ी से खाना खाने के लिए जो है वहाँ से चले जाते हैं। लेफ्ट यानी छोड़ देना होता है। वैन आई रिटर्न, जब वो खाना खा करके लौटते हैं, देयर वॉज एन अपीलिंग स्पेक्टिकल्स, तो वहाँ का जो दृश्य जो था वो अपीलिंग स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल का मतलब दृश्य, वो जो एक डरावना दृश्य था। देयर वॉज कम्प्लीट साइलेंट फ्रॉम द बॉक्स, क्योंकि वो जो बॉक्स जो था उसके अंदर बिल्कुल एकदम साइलेंस थी, कंप्लीट साइलेंस थी। बट फ्रॉम इट्स एयर होल, लेकिन इसके जो एयर होल जो थे यानी जो हवा के लिए जो छिद्र उस डब्बे के अंदर रखे गए थे, उनके अंदर से, एंड चिंक्स, चिंक्स यानी दरारें होती है, उन दरारों के अंदर से, अराउंड द लिड, जो ढक्कन के चारों ओर जो दरारें थी, ब्लड हैड टिकल्ड, ब्लड टिकल्स यानी बूंदें होती है, कि ब्लड की जो बूंदें जो थी एंड ड्राइड, वो बाहर निकली हुई थी और वहाँ पर लगी हुई थी, और वो ड्राइड यानी सूख गई थी। आई वाइप्ड ऑफ द लॉक, मैंने जल्दी से जो है वो लॉक खोला। टोर ओपन द लिड, और मैंने ढक्कन को फाड़ते हुए खोला। एंड मिज, और अंदर जो है मिज जो है एक्सहॉस्टेड, एक्सहॉस्टेड का मतलब एकदम घायल, निराश, परेशान। एंड ब्लड स्पैटरेड, और चारों तरफ जो खून बिखरा हुआ था। विम्परेड एंड कॉट एट माई लेग, विम्परेड का मतलब होता है कि एक प्रकार से कराहट आप कह सकते हैं, कि दर्द से कुछ आवाज़ें निकालना जो है, ठिनठिनाना, जिसके लिए एक शब्द आया है। एंड कॉट एट माई लेग, और उसने जो है मेरी टांग को पकड़ लिया। ही हैड टोर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड, श्रेड का मतलब होता है कुतरना, कि उन्होंने जो अंदर की जो लाइनिंग जो थी, अस्तर जो था बॉक्स का, उसको कुतर करके जो है उसने उसको टोर कर दिया था, फाड़ दिया था। वैन आई रिमूव द लास्ट ऑफ इट, और मैंने इसको जो है वो हटा दिया, पूरा का पूरा अंदर का जो लेयर जो था उसको हटा दिया। ऑफ इट सो दैट, ताकि देयर वर नो कटिंग एज लेफ्ट, ताकि कोई ऐसा किनारा ना बच जाए जिसे जो है वो कटिंग कर सकता हो, जो नुकसान पहुंचा सकता हो। इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स अंटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट, और ये केवल 10 मिनट बचे थे उसके बाद में फ्लाइट उड़ने वाली थी।
एंड द एयरपोर्ट वाइज 5 मील्स डिस्टेंस, और एयरपोर्ट जो था वो यहाँ से 5 मील की दूरी पर था। आई पुट द मिजरेबल मिज बैक इन टू द बॉक्स। मिजरेबल यानी दयनीय, जो बेचारा एक प्रकार से घायल मिज जो था उसको वापस से बॉक्स के अंदर रखा। होल्डिंग डाउन द लिड विथ माई हैंड, और होल्ड का मतलब पकड़ना होता है, डाउन द लिड ढक्कन को, विद माई हैंड, और मैंने उसके ढक्कन को जो है अपने हाथ से पकड़ा। आई सेट इन द बैक ऑफ द कार विद द बॉक्स बिसाइड मी, और मैं कार के अंदर जो है बैक वाली सीट के ऊपर बैठ गया और मेरे बगल के अंदर जो है मैंने उस बॉक्स को रख दिया। द ड्राइवर टोर थ्रू, टोर का मतलब ऐसे फाड़ना होता है, यहाँ पर जो है टोर थ्रू यानी चीरते हुए, द स्ट्रीट ऑफ बसरा, बसरा की गलियों को चीरते हुए ड्राइवर जो है अपनी कार को दौड़ा रहा था। लाइक ए रिको हीटिंग बुलेट, रिको हीटिंग बुलेट होती है जो सरफेस को टच करते ही जो है वो निकलती है, तो ऐसी एक बुलेट, एक गोली की तरह जो है वो बसरा की सड़कों को चीरते हुए जो है वो गाड़ी आगे बढ़ रही थी। द एयरक्राफ्ट वाज वेटिंग टू टेक ऑफ, टेक ऑफ एक फेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अलग होना या हवाई जहाज का उड़ान भरना जो है उसको टेक ऑफ कहते हैं। तो एयरक्राफ्ट जो था, हवाई जहाज जो था वो टेक ऑफ करने वाला था, उसका इंतज़ार कर रहा था। आई वाज रश्ड थ्रू टू इट बाई इन्फ्यूरेटेड ऑफिशियल्स, जो क्रोधित अफसर जो थे उनके द्वारा मुझे दौड़ाया गया उस प्लेन की तरफ। लकीली, भाग्य से, द सीट बुक फॉर मी, कि जो सीट मेरे लिए बुक की गई थी, वाज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, वो सबसे आगे वाली सीट थी। आई कवर द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर, और मैंने कवर यानी ढक दिया फ्लोर यानी फर्श को, अराउंड यानी चारों, और माई फीट मेरे पैरों के चारों ओर का जो फ्लोर जो था मैंने उसको न्यूज़पेपर से ढक दिया। रैंग फॉर द एयर होस्टेस, और मैंने एयर होस्टेस के लिए घंटी बजाई। एंड गिव हर ए पार्सल ऑफ फिश फॉर मिज, यानी मैंने उसको जो है वो एक पार्सल दिया ऑफ फिश, मछली का, फॉर मिज यानी मिजबिल के लिए कुछ मछली के एक पार्सल दिया उसके खाने के लिए। टू कीप इन ए कूल प्लेस, एक ठंडी जगह रखने के लिए, यानी ये मिजबिल का भोजन था। आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर, और मैंने पिछले आधे घंटे की जो घटनाएं जो है उनको बता करके मैंने उसको अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमायरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस, और मैं हमेशा ही जो है प्रोफाउंड यानी गहरा होता है एडमायरेशन यानी प्रशंसा करना फॉर दैट एयर होस्टेस की, मेरे मन में उस एयर होस्टेस के लिए जो है वो सदा ही हमेशा के लिए ही जो है वो एक प्रशंसा का भाव, एक आदर का भाव जो है वो रहा अभी तक जो है। सी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, वो अपने प्रकार की एक प्रकार की राजकुमारी थी, क्वीन थी, रानी थी वो। सी सजेस्टेड दैट, उसने सुझाव दिया कि आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी, उसने मुझे सुझाव दिया कि मुझे जो है अपने पेट को, अपने पालतू जो मिज जो था उसको अपने नी जो हैं, घुटने जो हैं उनके ऊपर रखना चाहिए, रखने की प्राथमिकता देनी चाहिए, प्रेफर यानी प्राथमिकता देना चाहिए। एंड आई कुड हैव किस हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता होती है, और मैं अपनी उस कृतज्ञता के लिए यानी उसने मुझे मेरे साथ जो अच्छे प्रकार से व्यवहार किया, कोऑपरेट किया और कहाँ रखना है ये भी बताया, तो इसके लिए मैं उसको किस कर सकता था उसके हाथ को। इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, यानी अपनी कृतज्ञता की गहराई के साथ मैं उसके हाथ को चूम सकता था। बट नॉट नोइंग ओटर्स, लेकिन ओटर्स के बारे में ज़्यादा न जानने की वजह से आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वाट फॉलोड, कि मैं जो अनप्रिपेयर्ड था, मैं तैयार नहीं था कि जो आगे होने वाला जो था उसके बारे में मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब आगे देखो क्या होने वाला है, बड़ा हंसी मजाक वाला सीन है ये। मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन ए फ्लैश, एक झटके, फ्लैश इन झटका, एक झटके के साथ ही मिज जो है वो डब्बे से बाहर हो गया, उस बॉक्स से बाहर हो गया। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, और वो डिसअपियर यानी गायब हो गया, हाई स्पीड यानी तेज़ी के साथ डाउन द एयरक्राफ्ट यानी जो एयरक्राफ्ट के नीचे का जो भाग जो था वहाँ पर वो तेज़ी के साथ गायब हो गया। देयर वर स्क्वैक्स एंड स्ट्रिंक्स, ये चीखें होती है, चीखें और चिल्लाना जो है स्क्वैक्स और स्ट्रिंक्स। एंड ए वुमेन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट, और वो चिल्ला रही थी, यानी एक महिला जो है वो अपनी सीट के ऊपर खड़ी हो जाती है
और खड़ी खड़ी जो है चिल्ला रही है, क्या कह रही है, एरेट एरेट, देखो कि चूहा आ गया, चूहा आ गया है। आई कॉट साइट, मैंने देखा, आई कॉट साइट, कॉट यानी पकड़ना होता है, साइट यानी दृश्य, मैंने दृश्य को पकड़ा यानी मैंने देखा। ऑफ मिज टेल, कि मिजबिल जो था उसकी टेल को, पूंछ को, डिसअपेयरिंग बेनीथ द लेग ऑफ ए पोर्टली वाइट टर्बन इंडियन, डिसअपेयरिंग यानी गायब होते हुए, बेनीथ यानी नीचे, द लेग्स यानी टांगों के, ऑफ ए पोर्टली वाइट टर्बनेट इंडियन मैन, पोर्टली का मतलब होता है एक गठीले शरीर वाला, वाइट एंड स्पेद टर्बन दाढ़ी जो पगड़ी होती है इंडियन, कि एक गठीले शरीर वाले सफ़ेद पगड़ी वाले आदमी के नीचे, उसकी टांगों के नीचे जो है मैंने मिजबिल को डिसअपियर होते हुए देखा, गायब होते हुए देखा, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। डाइविंग फॉर इट, और मैंने इसके लिए गोता लगाया यानी इसको पकड़ने के लिए मैंने जो है उसके पीछे गोता लगाया, डाई लगाई। आई मिस्ड, और मैं उस जो है उसको नहीं पकड़ पाया, बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, लेकिन मैंने अपना फेस जो है वो कड्डी से जो है वो रंगा हुआ पाया, यानी उसका चेहरा जो है वो किसी लिक्विड में भर गया था। परहैप्स शायद, सेड द एयर होस्टेस, कि एयर होस्टेस जो थी उसने कहा, विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, बहुत ही चार्मिंग यानी अट्रैक्टिव करने वाली स्माइल के साथ जो है मुस्कुराते उसने कहा, इट वुड बी बेटर, कि ये बहुत बहुत अच्छा होगा, इफ़ यू रिज्यूम्ड योर सीट, कि तुम अपनी सीट पर चले जाओ, एंड आई विल फाइंड द एनिमल, कि मैं उस जानवर को ढूंढूंगी, एंड ब्रिंग इट टू यू, और मैं तुम्हारे लिए इस जानवर को ले आऊँगी। आई रिटर्न टू माई सीट, मैं अपनी सीट के ऊपर चला गया। आई वॉज क्रैनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट, वैन सडनली आई हर्ड फ्रॉम माई फीट ए डिस्ट्रेस्ड चिटर ऑफ रिकग्निशन एंड वेलकम, एंड मिज बाउंडेड ऑन टू माई नी एंड बिगेन टू नजल माई फेस एंड माई नेक, और तभी जो है वो कैनिंग का मतलब होता है गर्दन उठा करके, नेक एंड ट्राई, तो मैंने पीछे जो है गर्दन उठा करके देखने का प्रयास किया कि जो हंट जो है यानी शिकार जो है उसके बारे में। वैन सडनली, और तभी अचानक से, आई हर्ड, मैंने सुना फ्रॉम माई फीट ए डिस्ट्रेस्ड चैटर, डिस्ट्रेस्ड चैटर का मतलब होता है अवसाद से भरी हुई उसकी जो चीं चीं की आवाज़ जो है उसको मैंने सुना, ऑफ रिकग्निशन पहचान के साथ, एंड वेलकम और उसका मैंने स्वागत किया, एंड मिज बाउंडेड ऑन माई नी, और मिज जो है वो छलांग लगाते हुए बाउंस करते हुए मेरे नीज जो है घुटनों के ऊपर आ गया, एंड बिगेन टू नज़ल, नज़ल का मतलब होता है जो नोज़ल होती है, नाक जो होती है उससे कुछ करना या टच करना, माई फेस, मेरे चेहरे को, एंड माई नेक, और वो मेरे चेहरे और मेरी नाक को जो है वो नज़ल करने लग गया, यानी मैं सूंघने लग गया, नाक से स्नेह के साथ जो है टच करने लग गया। तो इसके साथ ही आज का ये हमारा वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।